तो हम लोग गुलडंडा के सफ़र पे निकल पड़े हैं, काफ़ी बर्फ़ के बीचों में, बहुत मुश्किल वाले रास्ता, स्लिपिंग का डर होते हुए भी हम लोग निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बर्फ़ है यहाँ पे काफ़ी मोटी बर्फ़ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, और मेरे ख्याल से 10 फीट से ज़्यादा बर्फ गिर चुके हैं इधर। और इधर का मौसम आज बहुत सुहावना है, बारिश भी नहीं हो रही है, इधर मज़े हैं, पीले पूरे वाइट वाइट चादर है, और ऊपर से हमारा सनलाइट भी है, तो हमें कोई मसला नहीं हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी समय के बाद हम लोग इतना शानदार ट्रिप पे निकले हैं, ये रहा हमारा बर्फ़ का नज़ारा आप लोगों के दरमियान, शुक्रिया। तो हम लोग बहुत हार्ड जोन में आ चुके हैं, जहाँ पे इससे आगे रास्ते ब्लॉक हो चुका था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी तरीके से जुगाड़ लगा के सेटिंग करके जनाब करके उसे परमिशन ले करके हम आगे की तरफ निकल चुके हैं। और ये काफ़ी मुश्किलों भरा रास्ता लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल वाला रास्ता है, यहाँ पे जो बर्फ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब इससे आगे जाना मुश्किल है, रास्ता बंद है, क्योंकि इसके आगे आप देख सकते हैं दूर वो JCB लगी हुई है, और वो JCB की वजह से सारे बर्फ हटाए जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। और फाइनली अब यहाँ पे एक अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, JCB लगी हुई है। और फाइनली अब हम लोग यहाँ पे फिर दौसा के थ्रू बाइक लोग लगाया जा रहा है, अब हम बाइक को यहीं पे फाइनली स्टॉप करते हैं, ये हमारे फिर दौसर स्लिपिंग के साथ स्टाइल मारते हुए। तो भाई लोग हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे बर्फ 4 फीट ऑलमोस्ट है, अब जो होगा पता लगा सकते हैं हाइट कितनी बर्फ की, ये देखिए तो जो आसिफ सर हैं इनका जो पैर है वो बहुत गीला हो गया है, एक्चुअली ये बर्फ में चले गए ना, इनको बहुत सर्दी लगी वहाँ पे, पर कोई बात नहीं, अब हम आगे आग जलाते हैं, थोड़ा आग सेकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, कोई टेंशन नहीं, क्या मज़ा है ना। आप नेक्स्ट टाइम कब आओगे यहाँ पे इस जगह पे? मे बी आफ्टर मैरिज। ओहो दैट्स गुड। तो फाइनली हम लोग गुलडंडा से होते हुए घूम फिर के आ चुके हैं, फाइनली डेस्टिनेशन पॉइंट पे तो हम लोग नहीं पहुंच चुके क्योंकि उसके आगे 7 फीट का रास्ता था, अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काम जो है वो प्रोसेस पे है, बर्फ हटाने का काम प्रोसेस पे चल रहे हैं कंटिन्यू, और बहुत मुश्किल वाला रास्ता है, फिर भी हम लोग वहाँ पर जा चुके हैं। फिरदौसर भी बहुत हम लोगों ने आज इंजॉय किया, बट ये इंजॉय डेयरिंग वाला इंजॉय था क्योंकि इसमें जान का बहुत खतरा था, अगर
तो माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत किया, घुमा फिरा। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो बर्फ़ की चादरें पड़ी हुई हैं, बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आप लोगों के सामने। और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय किया आज हम लोगों ने। तो इस तरीके से अब हमारा रिटर्निंग हो रहा है। थैंक यू। तो ये हमने थोड़ा यहाँ पे आग जलाई थी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।